each year as Muslim Heritage Month in New Jersey. How cool is that? I could barely read that. Thank God I knew what it was before. I'm going to give only two pens away today. One is to Sadaf. Thank you so much. God bless you, richly deserved. 29th of April, right? टीनेक टाउन में टीनेक आर्मरी है, ये बहुत बड़ा हाल है, बहुत बड़ी जगह है। यहाँ तमाम अमेरिका में आबाद मुस्लिम हजरात जो है, बिलखुसूस पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन जितने भी लोग हैं और अरब से ताल्लुक रखने वाले सब लोग यहाँ नमाज ईद के लिए आते हैं। ख़वातीन के लिए एक अलग पोर्शन होता है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब यहाँ पे आते हैं और एक बहुत अच्छा ईद का समा बन जाता है। ये टीनेक आर्मरी जो है ये बहुत ही मशहूर है जगह। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने इस जगह को अपने दस्ते में लिया था और टैंकों, हेलीकॉप्टर और दूसरी एमुनेशन की सहूलतें भी यहाँ से दस्तियाब थी। टीनेक ने दोनों दुनिया की महंगी लड़ाइयों के दौरान अपना बड़ा किरदार अदा किया। दूसरी आलमी जंग में इस जगह फौजियों को तरबियत दी गई थी। अमेरिका फजाइया के पहले पायलटों की तरबियत भी यहीं से हुई थी। ये चूंकि बंदरगाह से बहुत करीब है इसलिए असला फौजी तरबियत मायनों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। टीनेक आर्मरी जो है ये समझ लें कि एक फौजियों का एक इदारा है, यहाँ इनको मकसद है कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि टीनेक आर्मरी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक बाइकर क्लब भी है। इसके अलावा यहाँ भी मुख्तलिफ मजालिस, प्रोग्राम, तकरीबात होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं। ये जो है एक बहुत तारीखी इमारत है और देखिए कितने वसी रकबे पर फैली हुई है, इसलिए हमारे अमेरिका में आबाद जो मुस्लिम लोग हैं, बिलखसूस पाकिस्तानी लोग, उनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ ईद की नमाज अदा करें और ईद की नमाज के लिए यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और देखें आप कितना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं लग रहा कि हम अपने मुल्क से दूर हैं, दायरे गैर में हैं। यहाँ सब लोग इसी तरह जैसे हम अपने पाकिस्तान में हैं, अपने मुल्क में हैं, वहाँ कर रहे हैं। ये ईद कमेटी हमारी जो है न्यू जर्सी में, ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी, ये ईद यहाँ ईद का सारा प्रोग्राम मुनक्कद करती है, इसका इंतज़ाम करती है। ये लोग एक रफाई फलाई इदारा है और ये ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी में बहुत ही यहाँ के माशाल्लाह समाजी और बड़े अच्छे लोग इसमें शामिल हैं, ख़वातीन वगैरह शामिल हैं और बड़ी मेहनत से ये तरतीब देते हैं, लोगों को मिलाते हैं। ईद कमेटी एक गैर सियासी, गैर मुनाफा बख्श इदारा है, ये बहुत कम्युनिटी को जोड़ के रखते हैं, यकजा करके रखते हैं। ईद के दिन मुसलमानों को अपनी कौमी फरंग और रवायत से आगाह करना और ईदुल्फितर, ईदुल्अज़हा की तकरीबात के को मुनक़द करना, मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करना, ये ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी का काम है। और माशाल्लाह लोग इस इदारे की जो भी तकरीबात होती है बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं इनकी तकरीबात में और बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को। आलम इस्लाम के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ जमा होते हैं इनकी तकरीबात में। पिछली बार तो मकसद है कि एक बहुत बड़े स्टेडियम में भी जहाँ तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, ये इनेकाद कराया गया था और ऐसा लगता है कि जैसे हम दायरे गैर में नहीं हैं, अपने मुल्क में ही हैं। हम पूरी फैमिली, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब लोग जो हैं वो जोक दर जोक इनकी तकरीबात में जाते हैं और आज हम यहाँ पे आए हुए हैं टीनेक आर्मरी में और अल्लाह की फजल से यहाँ नमाज ईद के लिए आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत देखें बच्चे भी बहुत खुश हैं और सब ने जर्क बर्क लिबास पहने हुए हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे, हम दुआ करते हैं नमाज के बाद के अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी उनको कामयाबी नसीब हो हमारे मुल्क को और हमारा मुल्क शादबाद रहे,
और अमन का गहवारा बने, तरक्की हो, या सारे मुस्लिम जो है अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अजीज अकारीब के लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।